प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले महापुरुष, बड़ी कमाई वाले महापुरुष हुए। आज के युग में इस समय में जितने भी कई महापुरुष हैं कमाई वाले, वो बताते हैं कि बचपन में वो उनके पास बैठते थे, महापुरुष हम सबको बिठा लेते थे और कहते थे मन को काबू में कैसे करना है मैं सिखाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और महापुरुष हरनाम सिंह जी कहने लगे, अरे बच्चों से अभी जपजी सब्जी का पाठ हम शुरू करेंगे, सबने आंखें बंद करके एकाग्रचित होके पाठ करना है, और जिसकी भी सुरती बाहर जाए तो वो ऐसे उंगली खड़ी करेगा। तो कहने लगे मैंने जैसे एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुर प्रसाद का, मैंने उंगली खड़ी कर दी। कहने लगे तेरा मन कहाँ चला गया? कहने लगे मेरा मन चला गया कि मैंने कपड़े सूखने डाले हुए, हवा तेज चली है, कपड़े गिर जाएंगे। महापुरुष हंस पड़े, कहने लगे फिर से शुरू करो। दूसरे बच्चे ने उंगली उठा ली, फिर से शुरू करो। कहने लगे कई दिनों तक 12-12 घंटे हमको बिठा के रखा, एक पाठ भी हमारा पूरा नहीं हुआ। कई महीनों तक यह चलता रहा सिलसिला। आखिर में एक दिन उन्होंने कह दिया, कहने लगे ये जुगती है समझ लो, अगर सोचा है सोचना हो गई, जो सोचे लखवा पर आकर मन बाहर चला गया, वापस से बाणी वहीं से शुरू करो जहाँ से टूटी है, और अगर तब भी ये वापस जाता है बार बार तो पाठ फिर से शुरू करो। कहते थे सच में कमाल की जुगती है, मन डरने लग जाता है, मेरा बीच में से छूटा ये फिर से कहेगा करने के लिए, मैं नहीं जाता हूँ बाहर। कहते थे एक पाठ हो जाए ना जीवन में, ऐसा एक पाठ हम रोज पढ़ते हैं, सुने गूंग जो आए सो रसना पावे, सुने मूर्ख चितलाए चतुरता आवे, गूंगा पड़े तो जबान आ जाए, मूर्ख पड़े तो चतुराई आ जाए। दुख दर्द भाव निकट न तिन्नर, ना दुख रहेगा ना दर्द रहेगा ना भाव रहेगा, पर हमारे पास दुख भी है दर्द भी है भाव भी है, कारण क्या है? हो जो या कि एक बार कहा, एक बार कोई चौपाई पढ़ ले, हमने आज तक एक बार भी सुरत लगा के कहा पढ़ी है? जिस दिन वो एक बार हो गई ना, फिर ये सारे जो जो ये वर है सारे आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।